बिहार के मुजफ्फरपुर से पुलिस का एक बेहद शर्मनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ एक सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी। बिहार पुलिस के जवानों ने सड़क से उस शव को उठाकर नदी के जो गुजरते एक नदी के अंदर फेंक दिया। ये वहाँ पर गुजरते हुए जो लोग हैं उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। वहाँ से गुजरते किसी शख्स ने मोबाइल पर इसको शूट किया और इस हैवानियत का वीडियो बनाकर यह वीडियो काफ़ी वायरल है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो सामने आई है, क्या सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया है? देखिए, सरकार ने इसमें तीन जो पुलिस वाले हैं उसमें एक ड्राइवर है पुलिस का जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है, और दो होमगार्ड के जवान हैं जिनका जो सर्विस है वो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और जो मुजफ्फरपुर के SSP हैं राकेश कुमार, उनसे हमारी बातचीत थी, उनका कहना था कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलती हुई है और उन्होंने गलती माना है और उसके बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे मनीष जी कह रहे थे, इस पर कार्रवाई ज़रूर हुई है, लेकिन इससे ये भी समझ में आता है, ये भी पता चलता है कि कम से कम मरने के बाद भी इस देश के अंदर लोगों को ज़रा सी भी इज्जत नसीब करना होना कितना मुश्किल काम है। पुलिस की ये जो वीडियो सामने आया है ये बेहद शर्मिंदा करने वाला वीडियो है।